दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अक्सर आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हैं जो करंट अफेयर्स में चल रहे हो, अभी हाल फिलहाल में घटनाएं चल रही हो, ऐसे टॉपिक हम लेके आते रहते हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, एक बार और हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कुछ यहाँ पे हमने पक्षी दिखाए हुए हैं, ठीक है, क्या दिखाए हुए हैं, कुछ पक्षी यहाँ पे दिखाए हुए हैं हम लोगों ने, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ विंड टरबाइन दिखाई हुई हैं, यानी पवन चक्कियाँ दिखाई हुई हैं। ये क्या करती हैं, ये रोटेट करती हैं, घूमती हैं, तो इनसे जनरेटर चलाया जाता है और बिजली इनसे बनाई जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बिजली बनाने का एक यंत्र है ये। अब देखिए ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मोस्टली ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पे खुली एरिया होता है, खुला एरिया होता है, वहाँ पे ये पाई जाती है। तो मोस्टली हमारे देश की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो गुजरात और राजस्थान में खुले मैदान होते हैं, खुले एरिया होते हैं, तो वहाँ पे ये पवन चक्कियाँ इंस्टॉल की गई हैं, लगाई गई हैं। चलिए अब चक्कियों का और पक्षियों का क्या लेन देना है, ठीक है, क्योंकि भाई हवा तेज चलेगी तो पवन चक्कियाँ ज़्यादा तेज घूमेंगी, बिजली बनेगी। अब इन पक्षियों का क्या कनेक्शन यहाँ पे आ गया है, तो इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि पक्षी यानी पर्यावरण से रिलेटेड एक टॉपिक बन जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि आप जानते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सुव्ड इन टू इंटरवेन ऑन बिहाफ ऑफ द क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। आप ये जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, कुछ बातें कही हैं सरकार को कि भाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, यानी कि संकटग्रस्त एक जीव है, ठीक है, प्रजाति है, जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे क्या, संकट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या नाम दिया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो देखिए बस्टर्ड जो शब्द होता है, इसका बेसिकली मीनिंग होता है क्या, तो इसका बेसिकली मीनिंग होता है चिड़िया। बस्टर्ड का मीनिंग क्या होता है, चिड़िया होता है, ठीक है। तो यानी अक्सर क्या होता है, बर्ड्स फॉलिंग डेड आफ्टर क्लाइडिंग विद पावर लाइन्स, यानी कहा जा रहा है कि जो पक्षी होते हैं वो फॉलिंग डेड मर जाते हैं, गिर जाते हैं, कब, कोलाइडिंग, जब टकरा जाते हैं विद पावर लाइन्स, यानी बिजली के तारों से जब वो टकरा जाते हैं तो वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भाई इन पक्षियों की मृत्यु को टाला जाए, अवॉइड किया जाए, कैसे रोका जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं, और बेसिकली ये जो हुकना है, ठीक है, हुकना पक्षी कह लीजिए, गुणावन कह लीजिए, या इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, ठीक है, तो बस्टर्ड का मतलब चिड़िया होता है बेसिकली, ठीक है। और इनका बेसिकली हैबिटेट यानी कि आप कह सकते हैं रहने का स्थान जो है, जहां मोस्टली ये पाए जाते हैं, तो वो जगह है गुजरात और राजस्थान। तो इन एरियाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दखल दिया है, कहा है कुछ, ठीक। चलिए क्या कहा है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ओवरहेड पावर केबल्स, यानी सर के ऊपर से यानी आसमान में जाने वाले जो केबल्स हैं, जो वायर्स जाते हैं, बिजली के तार, आपने भी देखा होगा आपके घरों वगैरह से आसपास गली मोहल्लों शहरों के बाहर से या खेतों से होके जाया करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो पावर केबल्स हैं इनसे टकराकर पक्षी मर जाया करते, इनकी चपेट में आकर मर जाया करते थे, तो इनको आप क्या करो, रिप्लेस करो, इनको हटाओ यहां से, ठीक है। ऐसा नहीं हटाओगे तो बिजली आना बंद हो जाएगी, जी नहीं, क्या होगा, वो कह रहे हैं कि भाई इनको आप अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरग्राउंड कर दीजिए इनको, ठीक है। यानी जो तार आसमान में हवा में जा रहे थे उनको क्या कीजिए आप, अंडरग्राउंड कर दीजिए, ठीक है। तो बात भी सही है, ताकि प्लैनेट्स वर्ड्स ऑन द प्लैनेट सुरक्षित रह सके वो, ठीक, ठीक है। अब इसमें टेक्निकल इश्यू क्या है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल इश्यू तो जानता नहीं है। तो जब उसके सामने टेक्निकल इश्यूज लाए जाएंगे, ठीक है, कि भाई देखो ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत नहीं हो सकती है, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए क्या कहा, ओनली लो वोल्टेज, ठीक है। वहां पर डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि ओनली लो वोल्टेज यानी कि अप टू 66 किलोवाट जो लाइन होती है, 66 किलोवाट तक की जो लाइन होती है, उसको आसानी से अंडरग्राउंड किया जा सकता है, लेकिन बट नॉट द हाई वोल्टेज लाइन, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है, हाई वोल्टेज लाइन को आप अंडरग्राउंड कर नहीं सकते हैं, ठीक है, कर नहीं सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं भाई, उसको करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, पैसा ज्यादा लगेगा। तो फिलहाल के लिए अभी तो इतना ही है कि 66 किलोवाट तक की लाइन को अंडरग्राउंड किया जाएगा, बाकी का क्या, क्या पक्षी ये 66 किलोवाट की है और ये 2000 किलोवाट की, ये देख के टकराते थे क्या पक्षी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, फिर उसका इलाज क्या है, तो उसका भी इलाज किया जा रहा है, देखिए क्या है, वेयर एवर देयर इज हाई वोल्टेज पावर लाइन्स दे कैन यूज फ्लाइट वर्ड डाइवर्टर्स, ये शब्द आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फ्लाइट वर्ड डाइवर्टर्स, यानी कि इवन इफ द रिकरिंग कॉस्ट आर हाई। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये डिस्कशन वहां पे हुआ है कि भाई हाई वोल्टेज लाइन्स हैं जिनको ऊपर से लेके जाना ही अभी फिलहाल पॉसिबल है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी में तरक्की करेगा, तो उनको भी शायद हम लोग अंडरग्राउंड कर पाए, लेकिन फिलहाल के लिए कहा जा रहा है
फ्लाइट वर डाइवर्टर्स, यानी जो पक्षी उड़ते हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए, उनका रास्ता अलग कर देने के लिए, ताकि वो तारों की चपेट में, वायर्स की चपेट में ना आए, उनका रास्ता डाइवर्ट करने के लिए फ्लाइट वर डाइवर्टर्स आप वहां पे लगाओ। ठीक है, तो भाई इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पक्षी अपना रास्ता देखेंगे भाई यहाँ तार के ऊपर फ्लाइट वर डाइवर्टर लगा हुआ, तो वो अपना रास्ता बदल लिया करेंगे। अब कैसे बदलेंगे, कैसे ये काम करेगा, इस पॉइंट पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल कोशिश अच्छी है, ठीक है, अच्छा इनिशिएशन किया गया है, अच्छा शुरुआत की गई है। चलिए, तो फ्लाइट बर्ड डाइवर्टर्स क्या होते हैं, देखिए इस शेप के होते हैं, शेप के कैसी भी हो सकती है भाई, ये शेप हमने ऐसा दिखाया है, तो शेप कुछ भी हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, किसी भी शेप के हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इनका फंक्शनिंग हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जान लीजिए, ये जो होते हैं, ये जो फ्लाइट डाइवर्टर्स होते हैं, ये हुआ करते हैं आपके बेसिकली येलो कलर के हुआ करते हैं या रेड कलर के हुआ करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कलर के हुआ करते हैं, ये बेसिकली हुआ करते हैं रेड कलर के या फिर येलो कलर के हुआ करते हैं। ठीक, अब ये जानेंगे कि भाई रेड ही के क्यों हुआ करते हैं और येलो के ही क्यों हुआ करते हैं, क्या किसी और कलर के नहीं हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए ऐसा चाहिए ताकि दिन में जब सूरज की रोशनी इन पे पड़े तो वो दूर तक रिफ्लेक्ट होके पक्षियों को आसानी से दिखाई दे जाए। और वहीं बात की जाए रात में जब रोशनी पड़े, ठीक है, चंद्रमा की जब रोशनी पड़ती है तो उससे क्या होता है, थोड़ी रोशनी कम होती है, वो भी जब इन कलर्स पर, ऐसे कलर चाहिए जो इन पे पड़े तो दूर तक रिफ्लेक्ट होके जाए, ताकि पक्षी ऐसा नहीं कि बिल्कुल तार के बगल में आके यहां बैठ गए, ठीक है, और तब उनको पता चला कि भाई रास्ता बदलना था, तब तक तो टकरा जाएंगे। यानी उनको पक्षी यहां पे है, वो उड़ते उड़ते जा रहा है, तो इनसे लाइट का जो रिफ्लेक्शन हुआ, पक्षी अपना रास्ता बदल ले और बगल से निकल जाए। ठीक है, तो यानी कॉन्ट्रास्ट कलर, यानी कि दूर से ही चमकने वाले उनको कलर चाहिए, तो उसके लिए सुटेबल है रेड और येलो। ठीक है, तो इस कलर के इसलिए लगाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको तारों से कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और ये दाएं बाएं तेज हवा में हिलते डुलते रहते हैं, यानी यहां से टूट के इधर उधर नहीं जाते हैं। ठीक है, शेप कुछ भी हो सकती है, केवल एक एग्जांपल दिखाया गया आपको। ठीक है, तो अच्छी शुरुआत है, अच्छा इनिशिएशन है। अब देखते हैं आगे और कुछ तथ्य जानते हैं। विद इन ए 10 मीटर रेडियस फ्रॉम पावर लाइन्स एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर यानी पावर लाइन, बिजली के तार, और ऐसी ही कोई अगर करंट वाली कोई स्ट्रक्चर है तो वहां से भी कम से कम विद इन ए 10 मीटर रेडियस, 10 मीटर रेडियस दूर से ही पक्षियों को ये आभास हो जाएगा भाई रास्ते में क्या है, कोई रुकावट है, वहां से कलर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, मतलब रास्ते में क्या है, कोई रुकावट है। तो चलिए पक्षियों के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा ये। तो These are basically sun and moon reflector, और ये क्या होते हैं, basically sun यानी सूरज और moon चंद्रमा की रोशनी को reflect करते हैं। भाई अपनी रोशनी कहीं से generate करके थोड़ी लाएंगे, ठीक है, जो रोशनी available है दिन में sun की होती है, रात को moon की होती है, उसी को reflect करते हैं, और mostly are of red and yellow colors, लाल और yellow नीले sorry पीले कलर के ये होते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा एक अच्छी शुरुआत की जा रही है, तो हमारे लिहाज से, पक्षियों के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पक्षियों को ही हमेशा नुकसान हुआ करता था, कभी कभी, ठीक है, ज्यादातर तो नुकसान पक्षियों का ही था, लेकिन कभी कभी नुकसान इन पावर लाइन्स को भी हो जाया करता, तो भाई जब ये जान पक्षियों की बचाई जा सकती है तो क्यों ना बचाई जाए। ठीक है, तो ये अच्छा शुरुआत है, अच्छी इनिशिएशन है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। थैंक यू।